क्या आप भी अपना पैसा आने वाले कुछ समय के अंदर डबल करना चाहते हैं? तो ये स्टॉक आपके लिए है। ये आने वाले कुछ समय के अंदर आपका पैसा डबल करके देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं बताऊँगा। इसका सारा बायोडाटा मैं आपके सामने सब कुछ बताऊँगा कि आने वाले समय में ये स्टॉक क्यों आगे बढ़ेगा। फिलहाल इसका मैं चार्ट दिखाऊँ आपको, तो एक साल के अंदर देख सकते हो इसने 57% का रिटर्न दिया है, और 5 साल की बात करूँ तो 525% का रिटर्न दिया है, आप लोग देख सकते हो। और मैक्सिमम की बात करूं तो ये मैक्सिमम में भी 525% का, इसके माने ये जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है जब से अभी तक 525% का रिटर्न दिया है। और इसमें इन्वेस्ट करने का एक रीज़न मैं बताऊं कि ये स्टॉक अभी आपको 13% के डिस्काउंट में मिल रहा है, ये अपने हाई से 13% के डिस्काउंट में अभी अवेलेबल है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसका शेयर प्राइस देख सकते हो आप 974 रुपया है, जो अभी बहुत कम है। और जो मेन रीजन है इसमें इन्वेस्ट करने का आप लोग को मैं इधर दिखाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो जो प्रमोटर होल्डिंग है 62% है, तो आप मान सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा है कंपनी का। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग देख सकते हो 3.91% है, जो अभी रिसेंटली जून में इसमें इंक्रीज हुआ है, इसने अपना वेटेज जो है इंक्रीज किया है जून में। और ये फॉरेन बंदे और फॉरेन कंट्री के लोग जो है इन्वेस्टर हैं इसमें 7.8% इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। और इसकी सेल्स एंड ग्रोथ की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो मार्केट कैप है वो 77,832 करोड़ रुपया है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये एक ही कंपनी है इस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में एक ही कंपनी है IRCTC, और इसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा है। और इसका जो सेल्स है 3 साल में 76% है, 5 साल में 17% है, और प्रॉफिट जो हुआ है 3 साल के अंदर वो 93% का प्रॉफिट हुआ है, और 5 साल के अंदर मैं बात करूं तो 32% का, और 3 साल में रिटर्न है 27% का। तो आप लोग देख सकते हो एक ही कंपनी है कि ये मैनिपुलेट करेगी इस सेक्टर में, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और फर्दर रिसर्च करके इसमें ज़्यादा पैसा लगा सकते हो आप लोग।